हेलो गाइस, मैं प्रदीप भगत स्वागत करता हूँ आप सभी का हमारा यूट्यूब चैनल PK7P में। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं NCERT क्लास 9 का चैप्टर 5, नाना साहब के पुत्री देवी मैना को भस्म कर दिया गया, जिनके लेखिका है चपला देवी। अगर आप इसी चैप्टर का क्वेश्चन आंसर का वीडियो देखना चाहते हैं तो उसका लिंक मैंने आई बटन पर दे रखा, नीचे डिस्क्रिप्शन पर भी दे रखा है, जाकर जरूर देख ले। द्विवेदी तो इधर युग की आगे बढ़ने से पहले हमारी इस वीडियो को लाइक करें, हमारी मेहनत को सफल करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को दबा ले ताकि आगे आने वाली वीडियोस का भी लुत्फ उठाते रहें। द्विवेदी युग की लेखिका चपला देवी जी के व्यक्तित्व एवं कृतित्व के बारे में जानकारी उपलब्ध नहीं हो पाई है। मतलब चपला देवी जब झांसी की रानी जिस तरह से युद्ध लड़ी थी अंग्रेजों के साथ 1857 में, उसी तरह चपला देवी भी अंग्रेजों से डटकर सामना किया। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान पुरुष लेखकों के साथ साथ अनेक महिलाओं ने भी अपने अपने लेखन से आजादी के आंदोलन की गति दी थी। उसमें एक लेखिका थी चपला देवी। कई बार अनेक रचनाकार इतिहास में दर्ज होने से रह जाते, चपला देवी भी उनमें से एक है। यह एक ऐतिहासिक सच्चाई है कि सन 1857 की क्रांति विद्रोह के नेता धुंधुपुंत नाना साहब की पुत्री बालिका मैना आजादी की नहीं सिपाही थी, जिसे अंग्रेजों ने जलाकर मार डाला था। बालिका मैना के बलिदान की कहानी चपला देवी ने इस गद्य रचना में प्रस्तुत किया है। यह गद्य रचना जिस शैली में लिखी गई है उसे हम रिपोर्टाज का प्रारंभिक रूप कह सकते हैं, यानी जिसे इंग्लिश में रिपोर्ट कहते हैं। देखिए इसमें क्या कहा जा रहा है कि मातृभूमि की स्वतंत्रता और उसकी रक्षा के लिए जिन्होंने अपने प्राण न्यौछावर कर दिए, न्यौछावर का मतलब होता है त्याग करना, उसके जीवन का उत्कर्ष हमारे लिए गौरव के समान की बात है। उस गौरवशाली किंतु विस्मित परंपरा किशोर पीढ़ी को परिचित कराने के उद्देश्य से इस रचना को हिंदू पंच के बलिदान अंग से लिया गया है। हिंदी गद्य के प्रारंभिक रूप को विद्यार्थी भी जान पाए, इसीलिए इस गद्य का रचना को मुद्रण और वर्तनी में बिना किसी परिवर्तन के अवलित प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया है। मुद्रण और वर्तनी में इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि आगे जब हम लोग चैप्टर में पढ़ेंगे तो यह रचना जिस भाषा में जिस शैली में लिखा गया था सेम पूरा आपको ओरिजिनल ही दिया जा रहा है। यहाँ पर इसमें कोई मॉडिफाई नहीं किया गया है, यह यहाँ पर बता दिया गया है। जैसे कि आप आगे जाकर इस चैप्टर में अंग्रेजों का स्पेलिंग पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि ये गलत लिखा हुआ है, ये सही नहीं है, तो इस ये चैप्टर को मॉडिफाई नहीं किया गया है। नाना साहब की पुत्री देवी बहना को भस्म कर दिया गया। सन 1857 ईस्वी के विद्रोही नेता धुंधुपंत नाना साहब कानपुर में असफल होने पर जब भागने लगे तो वे जल्दी में अपने पुत्री मैना को साथ न ले जा सके। देवी मैना बिठूर में अपने पिता के महल में रहती थी, पर विद्रोह दमन करने के बाद अंग्रेजों ने बड़ी क्रूरता से निरीह और निरपराध देवी को अग्नि में भस्म कर दिया। उसका रोमांचारी वर्णन पाषाण हृदय को भी एक बार द्रवीभूत कर देता है। कानपुर में भीषण हत्याकांड करने के बाद अंग्रेजों का सैनिक दल बिठूर की ओर गया। बिठूर में नाना साहब का राजमहल लूट लिया गया, पर उसमें बहुत थोड़ी संपत्ति अंग्रेजों के हाथ लगी। इसके बाद अंग्रेजों ने तोप के गोलों से नाना साहब का महल भस्म कर देने का निश्चय किया। सैनिक दल ने जब वहां तोपें लगाई उस महल के बरामदे में एक अत्यंत सुंदर बालिका आकर खड़ी हो गई। उसे देखकर अंग्रेज सेनापति को बड़ा आश्चर्य हुआ क्योंकि महल लूटने के समय वह बालिका वहां कहीं नहीं दिखाई दी थी। उस बालिका ने बरामदे में खड़ी होकर अंग्रेज सेनापति को गोले बरसाने से मना किया। उसका करीनापूर्ण मुख और अल्पवयस्क देखकर सेनापति को भी उस पर कुछ दया आई। सेनापति ने उनसे पूछा कि वह क्या चाहती है। बालिका ने शुद्ध अंग्रेजी भाषा में उत्तर दिया कि आप कृपया कर इस महल की रक्षा करेंगे। सेनापति कहते हैं, क्यों, तुम्हारा इससे क्या उद्देश्य है। बालिका कहती है, आप ही बताइए कि यह मकान गिराने में आपका क्या उद्देश्य है। सेनापति बोलते, यह मकान विद्रोही के नेता नाना साहब का वास स्थान था, सरकार ने इसे ध्वंस कर देने की आज्ञा दी है। बालिका कहती है, आपके विरुद्ध जितने शस्त्र उठाए थे वे दोषी है, पर इस जड़ पदार्थ मकान ने आपका क्या अपराध किया है। मेरा उद्देश्य इतना है कि यह स्थान मुझे बहुत प्रिय है, इसी से मैं प्रार्थना करती हूँ कि इस मकान की रक्षा कीजिए। सेनापति ने दुख प्रकट करते हुए कहा कि गौर कर्तव्य के अनुरोध से मुझे यह मकान गिराना ही होगा। इस पर उस बालिका ने अपना परिचय बताते हुए कहा कि मैं जानती हूँ कि आप जनरल हे है, आपकी प्यारी कन्या मेरी और मुझ में बहुत प्रेम संबंध था, कई वर्ष पूर्व मेरे पास बराबर आती थी और मुझे हृदय से चाहती थी,
उस समय आप भी हमारे यहाँ आते थे और मुझे अपने पुत्री के ही समान प्यार करते थे। मालूम होता है कि आप वे सब बातें भूल गए हैं। मेरी की मृत्यु से मैं बहुत दुखी थी। उसकी एक चिट्ठी मेरे पास अब तक है। यह सुनकर सेनापति के होश उड़ गए। उसे बड़ा आश्चर्य हुआ और फिर उसने बालिका को भी पहचाना और कहा, अरे यह तो नाना साहब की कन्या मैना है। सेनापति है कुछ क्षण ठहरकर बोले, हाँ मैंने तुम्हें पहचाना कि तुम मेरी की पुत्री के सहचारी हो, किंतु मैं जिस सरकार का नौकर हूँ उसकी आज्ञा नहीं टाल सकता, तो मैं भी तुम्हारी रक्षा का प्रयत्न करूँगा। इसी समय प्रधान सेनापति जनरल आउटरम वहाँ आ पहुँचे और उन्होंने बिगड़कर सेनापति है से कहा, नाना साहब का माल अभी तक तोप से क्यों नहीं उड़ाया गया? सेनापति है ने विनयपूर्वक कहा मैं इसी फिक्र में हूँ, किंतु आपसे एक निवेदन है, क्या किसी तरह नाना साहब का महल बच सकता है? आउटरम, गवर्नर जनरल की आज्ञा के बिना यह संभव नहीं। नाना साहब पर अंग्रेजों का क्रोध बहुत अधिक है। नाना के वंश या महल पर दया दिखाना असंभव है। सेनापति है लॉर्ड कैनिंग यानी जनरल गवर्नर को इस विषय का एक तार देना चाहिए। आउटरम कहते, आखिर आप ऐसा क्यों चाहते? हम यह महल विध्वंस किए बिना और नाना की लड़की को गिरफ्तार किए बिना नहीं छोड़ सकते। सेनापति हेयोग मन में दुखी होकर वहाँ से चल गए। इसके बाद जनरल आउटरम ने नाना का महल फिर घेर लिया। महल का फाटक तोड़कर अंग्रेज सिपाही भीतर घुस गए और मैना को खोजने लगे, किंतु आश्चर्य की सारे महल का कोना कोना खोज डाला पर मैना का कहीं पता ना लगा। उसी दिन संध्या समय लॉर्ड कैनिंग के एक तार आया जिसका आशय इस प्रकार था। लॉर्ड के मंत्रिमंडल के मतलब था कि नाना की समृद्धि चिंतक मिटा दिया जाए, इसीलिए वहाँ की आज्ञा के विरुद्ध कुछ नहीं हो सकता। उसी क्षण क्रूर जनरल आउटरम की आज्ञा सेना से नाना साहब के सुविशाल राजमंदिर पर तोप के गोले बरसाने लगे। घंटे भर में वह उस समय लंदन के सुप्रसिद्ध टाइम्स पत्र में 6 सितंबर को यह एक लेख लिखा गया, बड़े दुख का विषय है कि भारत सरकार आज तक उस दुर्दांत नाना साहब को नहीं पकड़ सकी जिस पर समस्त अंग्रेज जाति का भीषण क्रोध है। हम लोगों के शरीर रक्त रहेगा जब तक कानपुर में अंग्रेजों के हत्याकांड का बदला लेना हम लोग न भूलेंगे। उस दिन पार्लियामेंट की हाउस ऑफ लॉर्ड्स सभा में सर टाइम्स हे की एक रिपोर्ट पर बड़ी हंसी हुई जिसमें सर हे ने नाना की कन्या पर दया दिखाने की बात लिखी थी। हे के लिए निश्चय है कि यह कलंक की बात है। जिस नाना ने अंग्रेजों पर नर नारियों का संहार किया उसकी कन्या के लिए क्षमा। अपना सारा जीवन युद्ध में बिताकर अंत में वृद्धावस्था में सर टाइम्स हे एक मामूली महाराष्ट्र बालिका के सौंदर्य पर मोहित होकर अपना कर्तव्य ही भूल गए। हमारे मत से नाना के पुत्र कन्या अन्य कोई भी संबंधी जहाँ भी मिले मार डाला जाए। नाना की जिस कन्या से हे का प्रेमालोप हुआ है उसको उन्हीं के सामने फांसी पर लटका दिया जाए। सन 1857 के सितंबर माह में अर्धरात्रि के समय चांदनी में एक बालिका स्वच्छ उज्ज्वल वस्त्र पहने नाना साहब के भवानी विष्ट प्रसाद के ढेर के सामने बैठी रो रही थी। पास ही जनरल आउटरम की सेना भी ठहरी थी। कुछ सैनिक रात्रि के समय रोने की आवाज़ सुनकर वहां पहुंच गए। बालिका केवल रो रही थी, सैनिकों के प्रश्न का कोई उत्तर नहीं दे रही। इसके बाद कराल रूपधारी जनरल आउटरम भी वहां पहुंच गया। वह उसे तुरंत पहचान कर बोला, ओह यह तो नाना साहब की लड़की मैना है। पर वह बालिका किसी की ओर न देखती थी और न अपने चारों ओर सैनिकों को देखकर जरा भी डरी। जनरल आउटरम ने आगे बढ़कर कहा, अंग्रेज सरकार की आज्ञा से मैं तुम्हें गिरफ्तार किया। मैंने उसके मुँह की ओर देख कर आर्द्र स्वर में बोली, मुझे कुछ समय दीजिए जिस समय आज यह जी भर रो लूं। पाषाण हृदय वाले जनरल ने उसकी अंतिम इच्छा भी पूरी होने ना दी। उसी समय मैना के हाथ में हथकड़ी पड़ी और वह कानपुर के किले में लाकर कैद कर दी गई। उस समय महाराष्ट्रीय इतिहास वेत्ता महादेव चिट्टनवीस के बाखर पत्र में छपा था, कल कानपुर के किले में एक भीषण हत्याकांड हो गया। नाना साहब की एकमात्र कन्या मैना धधकती हुई आग में जलकर भस्म कर दी गई। भीषण अग्नि में शांत और सरल मूर्ति अनुपमा बालिया को जलती देख सब ने उसे देवी समझ प्रणाम किया। अगर आप लोगों को इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन रह गया या कुछ डाउट्स रह गया तो आप हमें इंस्टाग्राम, फेसबुक या ट्विटर पे फॉलो करके आप हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं।
वहाँ पे मैं आप लोगों का हमेशा रिप्लाई देने की कोशिश करता हूँ, जिसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन पे दे रखा है, तो जाकर जल्द से जल्द फॉलो कर ले। अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। कैसी लगी हमारी ये वीडियो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स सबको भी शेयर कीजिए। मैं प्रदीप मिलता हूँ आप लोगों से एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। और हाँ, अगली वीडियो आप किस टॉपिक पे देखना चाहते हैं कमेंट करना ना भूले, तो जाओ जल्दी से कमेंट करो, क्योंकि आपका कमेंट के ही आधार पे मैं आपके लिए अगली वीडियो लेकर